दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पे ये बॉक्स है नोकिया कंपनी का नोकिया X2 और इसका मॉडल नंबर है नोकिया X201। ये काफ़ी उस जमाने के हिसाब से एक चैटिंग वाला मोबाइल था जिसमें आप व्हाट्सएप भी चला सकते थे, ईमेल और कुछ फेसबुक ये सब लाइव चला सकते थे। इसकी कीमत उस टाइम पे 4000 के करीबन रही, 4700 रुपये से कुछ रहा। इसका रेट यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है 3809 यानी कि 3809 रुपये का इंडियन वेरियंट है। और ये हमारे पास वो डिवाइस है, ये आज भी वर्किंग टाइम पे है, मतलब अभी आज भी चल रहा है ये और कोई भी दिक्कत नहीं आई। बस इसका जो पेंट है, जो बटन पे लिखा रहता है, वो सब करते जा रहा है। और इसकी बैटरी मान लीजिए ख़राब हो जाती है तो बैटरी दूसरी लगी हुई है, और आज भी सब कुछ कम्प्लीटली काम कर रहा है। आज भी 2G सिम लगाएंगे इस पर तो नेटवर्क बराबर आता है। और यहाँ पर मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर USB का स्लॉट है, चार्जर नहीं है, यहाँ पर मेमोरी कार्ड, यहाँ पर ऑडियो जैक नहीं, ये पतली पिन का चार्जर है, ऑडियो जैक 3.5 mm वाला, कुछ इस तरह से हमारे डिवाइस है। आज के टाइम यदि आप इसमें चलाएंगे कुछ चीज़ तो हो सकता है ये काम नहीं करे। पासवर्ड कैसे है इसमें, जैसे कि कैलेंडर हो गया, ईमेल हो गया, एक कम्युनिटी के अंदर हमारा क्या क्या ऑप्शन रहता है देख लेते हैं, शायद खुलता है कि नहीं खुलता 2024 के टाइम पे, क्योंकि नोकिया के ऑफिशियली वेबसाइट पर सब कुछ ये डिस्कंटिन्यू कर दिया गया तो ये खुलता ही नहीं है। अभी सिम भी नहीं है सर, इस वजह से नहीं दिखा रहा है। इसमें गेम्स भी बाउंस, सुडोकू ये सब तो रहते थे। काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये उस टाइम के हिसाब से 3800 रुपये में। तो यही था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस इतने धन्यवाद।